हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है और आप सभी लोग आईटीडीसी के नाम से इसे जरूर जानते होंगे। आईटीडीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजिशंस। हम इन वेरियस पोजिशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजिशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम सभी लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट आप किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम सभी लोग आईटीडीसी के नाम से जरूर जानते हैं, ये हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की कर रहा है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है और इन्होंने जो हमारे लिए इस पोजीशन के लिए रेम्युनरेशन रखा है इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो कंपनी टू कॉस्ट का सीटीसी होने वाला है वो आपका 6 लाख पर एनम होने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली आपको एज लिमिट का भी मेंशन करा है। इन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 1st फरवरी 2024 बिलो 32 इयर्स है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आईटीडीसी जो आपको ये पोजीशन ऑफर कर रहा है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोजीशन है, अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पर रिन्यू कर दिया जाएगा और उसे टाइमली ही एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 55% एंड अबव आपने अपने एलएलबी में स्कोर करा है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ही डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में भी क्लियरली मेंशन करा है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट के पास एलएलएम की डिग्री है यानी उसके पास मास्टर्स की डिग्री है तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। साथ ही साथ इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग भी चीजें मेंशन करी है। इन्होंने बोला है कि डिजायर्ड कैंडिडेट के पास अगर एक्सपीरियंस है कोर्ट केसेस को डील करने का, जिसमें उसने लेबर लॉस को डील करा हो, सर्विस मैटर्स को डील करा हो, कंपनी लॉस को डील करा हो, कमर्शियल बिजनेस लॉ और आर्बिट्रेशन देखा हो, क्रिमिनल लॉस सिविल लॉस को डील करा हो, एस्टेट मैटर्स आरटीआई लॉस को देखा हो, ड्राफ्टिंग करी हो, उसने अलग अलग डिफरेंट केसेस में लाइजनिंग उसकी स्ट्रांग हो तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। साथ ही साथ इन्होंने जो कंपलसरी एक्सपीरियंस डिमांड करा है इस पोजीशन के लिए, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल उसने या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में, सेमी गवर्नमेंट में, ऑटोनॉमस बॉडी में या फिर किसी प्राइवेट फर्म में जैसे कि लॉ फर्म में उसने एज अ लॉ ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लीगल वर्क करा हो
तो उसको ये पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है। यानी अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपको 5 साल किसी लॉ फर्म में एज अ लॉ ऑफिसर, एज अ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपको काम करते हुए कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर किसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लीगल वर्क करते हुए 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग इसे स्क्रॉल डाउन करके अपने स्क्रीन पे ही पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली ITDC की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के थ्रू टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप लोग यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में ही अपना कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स जानते होंगे ऐसा कोई कॉमेंट, ऐसा कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं होता जिसका मैं अपने एंड से पूरी कोशिश ना करूं कि टाइमली बेसिस पे उन्हें रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने प्रोसेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए और अपने आगे के प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 14th ऑफ मार्च 2024 फिलअप कर दें, तभी आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। मेक श्योर करें 14th मार्च 2024 से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपके लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 500 रुपीज रखी गई है, और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि जो भी कैंडिडेट SC, HT और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और हमारे OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और हमारे EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स के लिए ये फी 500 रुपीज रखी गई है, बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ITDC शॉर्टलिस्ट करेगी और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी इसमें आपके लिए कोई भी एग्जाम ITDC कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, और आपका जो कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए आएगा उसमें आपकी डेट, टाइम और वेन्यू क्लियरली मेंशन होगा और आपको वो कम्युनिकेट किया जाएगा ईमेल के द्वारा या फिर पोस्ट के द्वारा या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जब इस फॉर्म को फिलअप करें तो आप ईमेल एड्रेस अपना और अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस क्लियरली मेंशन करें। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट पे प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में पता चले तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं। थैंक यू सो मच।